Greetings everyone, this video is for joining words. So let's start कि क्या होते हैं joining words. बच्चों जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है joining, joining means join होता है बच्चों किसी भी चीज़ को जोड़ना, और words शब्द ऐसे शब्द जो किसी को जोड़ते हैं. अब let's start कि देखते हैं कि ये words किसको जोड़ेंगे. एंड 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 का मतलब होता है बच्चों और. रीड दीज वर्ड्स, आप इन वर्ड्स को रीड करिए. लॉक एंड की, लॉक होता है ताला और की होती है चाबी, ताला और चाबी. गर्ल एंड बॉय, लड़की और लड़का. बैट एंड बॉल, बल्ला और गेंद. These word pairs are joined using the word and. तो बच्चों जो ये word pair हैं, जो शब्दों के जोड़े हैं, means दो शब्दों को हमने जोड़ा. किससे जोड़ा बच्चों, किसका use किया हमने इनको जोड़ने के लिए, and का. Very good. ये दो अलग अलग words थे lock और key. हमने lock key को जोड़ दिया किससे, and को use करके हमने बना दिया लॉक एंड की. ओके नाउ रीड दिस सेंटेंस. एंड वन मोर थिंग इज देयर, बच्चों आप देख सकते हो कि जब सेम कैटेगरी की चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को मोस्टली एड से ज्वाइन करते हैं. लॉक एंड की, आपको पता है कि दीज आर वर्ड पेयर, अगर इसके बिना इसका कोई काम नहीं है. ओके सो वर्ड पेयर जो होते हैं बच्चों उनको जोड़ने के लिए हम एंड को यूज करते हैं. लेट्स रीड नाउ, रीड दी सेंटेंसेस. आई हैव अ पेंसिल, आई हैव एन इरेजर. तो बच्चों ये कह रहा है कि मेरे पास एक पेंसिल है और मेरे पास एक इरेजर है. आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर, हमने जोड़ दिया. हमने जो स्टार्टिंग वाला डबलिंग थी सेंटेंस में बच्चों उसको हमने कट कर दिया. आई हैव अ पेंसिल, मैं कहूँगी मेरे पास एक पेंसिल है, फिर मैं कहूँगी मेरे पास एक इरेजर है. इट्स नॉट लुकिंग गुड. तो सिमिट्री देने के लिए बच्चों हमने क्या किया, आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर, मेरे पास एक पेंसिल है और एक इरेजर है. इससे बच्चों हमारा सेंटेंस जो है वो शॉर्ट भी हो गया, हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हुआ. तो इसीलिए हमने सेम सिमिट्री वाले सेंटेंस को बच्चों एड से ज्वाइन कर दिया. ओके द टू सेंटेंस, दो सेंटेंस आर ज्वाइन टुगेदर विद द वर्ड एंड एंड टू फॉर्म वन सेंटेंस. दो सेंटेंस को एंड ने जोड़कर एक नए सेंटेंस में फ्रेम कर दिया और हमारा टू सेंटेंस से कितने सेंटेंस बन गए बच्चों, वन सेंटेंस बन गया. तो लेट्स रीड द वर्ड एंड इज अ जॉइनिंग वर्ड. जो एंड वर्ड है बच्चों वो ज्वाइन करने वाला वर्ड्स है, वो शब्दों को जोड़ने वाला वर्ड्स है. वी डू नॉट रिपीट वर्ड्स, हम इसमें रिपीट नहीं करते वर्ड्स को. एज इज एम आ वोज हैव और हैज वाइल ज्वाइनिंग सेंटेंस, कि जब हम सेंटेंस को जोड़ती हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को इज एम आर को या जो सेम हमारी वर्डिंग होती है उसको रिपीट नहीं करते बेटा, उसको हम कट कर देते हैं. जिस तरह से आई हैव अ पेंसिल, आई हैव एन इरेजर, दोनों में जो आई हैव था बच्चों उसमें से हमने एक सेंटेंस के आई हैव को लिया और दूसरे सेंटेंस के आई हैव को हमने कट कर दिया. सो वी मेड अ न्यू सेंटेंस, आई हैव अ पेंसिल एंड एन इरेजर. ओके कीप मूविंग स्टूडेंट्स. सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. Join the pairs of naming words using and. One has been done for you. एक आपके लिए किया गया है. Cup and saucer. This is cup and this is saucer. And next one. This is coat. And what is it, kids? Tie. Very good. Coat and tie. We will write here coat and tie. And the next one is, you can tell me. Very good. Shoes and socks. देख सकते हो बच्चों कि जो ये हैं हमारे वर्ड्स, ये एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे से सिमेट्री है इनमें बच्चों. ठीक है,
हम इन दूसरों एक दूसरे के साथ इनका यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर. वेरी गुड, दिस इज ब्रेड एंड बटर. आफ्टर दिस वी हैव टू जॉइन द सेंटेंस. आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ सिस्टर. सो वी विल जॉइन, और मैंने आपको बताया कि सेम मीटर को हम लीव कर सकते हैं. बच्चों, आई हैव अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. माई कजन हैज अ ब्लैक कैट. माई फ्रेंड हैज अ वाइट डॉग. ओके, सो आप देख सकते हैं इनमें सिमेट्री नहीं है बच्चों. तो आप क्या कर सकते हो, माई कजन हैज अ ब्लैक कैट एंड माई फ्रेंड हैज अ वाइट डॉग. दो सेंटेंस है, वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. ही लव्स टू सिंग, ही लव्स टू डांस. अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो वर्ड है इसको हम लीव कर सकते हैं. हम लिखेंगे ही लव्स टू सिंग एंड डांस. ही लव्स टू सिंग एंड डांस. आई लाइक चॉकलेट केक. आई लाइक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. सो वी विल राइट हियर आई लाइक चॉकलेट केक एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. इट इज़ अ कोल्ड डे, इट इज़ अ विंडी डे. सो वी कैन राइट हियर इट इज़ अ कोल्ड एंड विंडी डे. देखिए ये सेम है दोनों में, इसको भी हम स्किप करेंगे. इट इज़ अ कोल्ड एंड विंडी डे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड. हम एंड के कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज करते हैं. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कम विद द यूज ऑफ बट. बट इज ऑल्सो अ जॉइनिंग वर्ड्स, बट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. Okay, thank you. Have a great day to you all.